गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और अंगद गया है ऑफिस। पूरे दिन वो ऑफिस में रहने वाला है, शाम को आएगा, तो मतलब मैं हूँ बिल्कुल घर में अकेली। बालकनी के ना ये बात बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे ना सुबह वाली धूप आती है, तो विंटर में सुबह वाली धूप तो सबको पसंद है, तो हम लोग चाय नाश्ता आजकल ना यहीं पे बैठ के करते हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ। मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं और मेरे व्लॉग में ये बहुत कम देखने को मिलता है आपको कि मैं कुछ मेकअप प्रोडक्ट शेयर करूँ, क्योंकि लेती कम हूँ। एक तो मैंने लिया है रेवोल्यूशन का ये आई पैलेट, जो आई शेडो पैलेट, एक्चुअली बहुत ही अच्छा कलर्स है इसमें। ब्रॉन्ज, सिल्वर, ब्लू में तीन चार शेड है, देखिए यहाँ पे अच्छा लगा मुझे। दूसरा मैंने लिया है नाइका का खुद का ही ब्रांड का लिपस्टिक लिया है, मैट लिपस्टिक, और ये लगाया भी मैंने और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब लगा करके मैंने हाथ में बहुत देर तक रखा तो टिका रहा। मुझे चाहिए था लॉन्ग लास्टिंग वाला कि मैं सुबह लगाऊं तो शाम तक रहे वैसा वाला। और फिर भी क्या होता है ना, मैट लिपस्टिक में टिक तो जाता है पर कुछ आपके ना लिप्स को ड्राई कर देते हैं बिल्कुल। मेरे पास पहले भी था, वो ऐसा ड्राई कर देगा ना कि आपके लिप्स फटे फटे से लगेंगे, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो ये उस हिसाब से अच्छा है और कलर भी सुंदर सा लगा मुझे, तो एक ये लिया और ये थोड़ा सा बजट में आ गया। बाकी जो दो चीजें ली हैं वो बिल्कुल बजट की नहीं है, पर वो स्किन वाली बात है तो कोई रिस्क नहीं लेना, तो जो टेस्टेड है मैं वही लेती हूँ। क्लिनिक का मैं ये इवन बेटर यूज करती हूँ फाउंडेशन, और मेरा जो ये कोड है ये है WN48OAT, और इसका प्राइस ज्यादा रहता है। ये इतना सा बॉटल जो है सिर्फ ये 3000 का आता है अगर आप देखोगे ना, पर ये चल जाता है। मतलब मुझे तो ये 4-5-6 महीने भी चल जाएगा, इतना सा बॉटल का दाम ज्यादा है डेफिनेटली। बट क्लिनिक के प्रोडक्ट्स मैंने यूज जितने भी किए हैं ना, सब मुझे अच्छे लगते हैं। इनका जो एक मॉइस्चर सर्च करके आता है वो मैं एज ए मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है मैक का ये NC44। ये क्या है, तो ये एक्चुअली स्टूडियो फिक्स NC44 आता है कंसीलर। तो आपको जैसे मान लीजिए कुछ पोर्स कवर करने हो, एक्ने आ गया उसको कवर करना हो, या ऐसे भी इवन स्किन टोन लानी हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो। तो ये पड़ा है मुझे 2700 रुपीज के आसपास का। तो ये दोनों चीज बहुत महंगा होता है बट लॉन्ग लास्टिंग है, स्किन में कोई बुरा इफेक्ट नहीं करेगा आपको, अच्छा रहेगा। अच्छा एक चीज मुझे शेयर करनी है आप लोगों से, रोज सोचती हूँ करूंगी फिर रह जाता है करना। आपको याद होगा मेरे चैनल पे मैंने गिव अवे रखा था जिसमें मैं एक स्लिंग बैग दे रही थी 3 लकी विनर्स को, और वो जो स्लिंग बैग था ना उसमें एक जिगजैग पैटर्न था। और मैं जब अनाउंसमेंट करने आई थी ना कि मैं ये करने वाली हूँ गिव अवे, तब मैंने दिखाया था कि मैं ये पर्टिकुलर स्लिंग बैग का कर रही हूँ और उसमें जो पैटर्न है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला ही देती हूँ। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद मैंने विनर भी अनाउंस कर दिया था, और ये सब दिवाली के जस्ट बाद हुआ था, तो फेस्टिव सीजन जस्ट खत्म ही हुआ था। और मैंने ब्रांड को बता दिया कि ये 3 विनर है, एड्रेस वेड्रेस दे दिया और बोला कि डायरेक्टली आप लोग वहां से कुरियर कर दो। और मेरी तरफ से ना थोड़ा सा मैंने प्रेशर भी बनाया था ब्रांड को कि थोड़ा जल्दी आप लोग करिएगा। उसके बाद मैंने कह रखा था कि जो विनर्स होंगे मुझे इंस्टाग्राम पे फोटोज या एटलीस्ट आगे बता देना कि हमें मिल गया है। तो तीनों ने मुझे बता दिया, पर जैसे ही मुझे बताया ना, फर्स्ट जिसने उन्होंने बताया उन्होंने मुझे फोटो दिखाया कि ये वाला स्लिंग बैग आया है सोना। स्लिंग बैग तो आया पर जिस पैटर्न का मैंने बताया था कि आने वाला है उस पैटर्न का ना आकर के किसी दूसरे पैटर्न का आ गया। मैंने फोन किया, ब्रांड से बात करी, उन्होंने कहा कि अभी जस्ट फेस्टिव सीजन खत्म हुआ है और जो पैटर्न आप बोल रहे थे ना वो सारा हमारा बिक गया, 3 हमारे पास ऐसे नहीं थे, 2 हो जाते फिर तीसरे को अलग पैटर्न जाता, और आप कह रहे थे जल्दी भेजो लेट नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास जो स्टॉक में था जो अच्छा था हमने वही वाला भेज दिया। तो मतलब सेम स्लिंग बैग आया
जो उसका प्राइस था वही प्राइस है, वही कैटेगरी से आया, ऐसा कुछ अलग नहीं आया, बस पैटर्न अलग आ गया। तो फिर मैंने बाकी जो दो थे उनको भी पिंक किया, आपको मिलेगा तो मुझे बताना। उन दोनों ने भी मुझे जब आया तो उन्होंने पिंक किया, उनको भी सेम पैटर्न आया। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, तीनों विनर्स ने बारी बारी अपना वो फोटो हमें भेज दिया। और अच्छी बात यह है कि उन तीनों को पसंद आया, और तीनों को जब मैंने बोला है सॉरी अलग पैटर्न आया है, तो उन लोगों ने यही बोला कोई बात नहीं सोना, स्लिंग बैग तो आया ना, वही बैग आया, बस पैटर्न अलग आया है, हमें ये पैटर्न पसंद है। तो ये जान के मुझे खुशी हुई कि पैटर्न उनको पसंद आया, पर मुझे पता नहीं बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, जब मैंने मेंशन किया वही चीज क्यों नहीं आई। थैंक यू सो मच तीनों को, मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगी गिव अवे तो मैं एकदम मेक श्योर करूंगी कि मैं ब्रांड के पीछे एकदम लग जाऊं कि एग्जैक्टली जो मैंने दिखाया है वही आना चाहिए, ना कि सेम कैटेगरी में अलग कलर भी नहीं आना चाहिए। मैं ये ट्राई करूंगी, जो भी मैं गिव अवे करूंगी आगे क्या करूंगी मुझे नहीं पता, पर जो भी करूंगी ना कलर भी वही आना चाहिए जो मैंने बोला है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को जो मैं बोलती हूँ उस बात की उनको वैल्यू है, तो वो चीज थोड़ी सी भी अलग नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आते आते ही 6:30-7:15 हो जाएगा, तो टी टाइम जो है वो थोड़ा सा लेट होने वाला है, तो मैंने सोचा कि एक कप कॉफी बना के पी लेती हूँ, तो पी लिया है इत्मीनान से। और अब आई हूँ बनाने के लिए कुछ स्पेशल सा नाश्ता, तो क्योंकि बहुत दिनों के बाद अंगद ऑफिस गया है, शाम को लौट के आएगा, तो कुछ अच्छा सा बना करके रखते हैं, उसको सरप्राइज करेंगे। वैसे वो मुझे पक्का ताना मारेगा कि जब मैं घर में होता हूँ तब तो कुछ स्पेशल नहीं बनाती हूँ, ऑफिस गया तो ज्यादा वैल्यू होता है क्या, पर ऐसे ही टाइम मिल गया है, कुछ करने को है नहीं तो कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मैं बनाने के लिए जा रही हूँ पोहा कटलेट, जो कि बहुत इजी है और बहुत ही फटाफट में बन जाएगा, तो मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। चलिए, ये कुकर को देख लीजिए, देखने से लग रहा होगा कि कुकर कितना गंदा है ना, धुला ही नहीं है, जबकि ये कुकर धुला हुआ है, ये रोज धुलता है। पर ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये हार्ड वाटर का स्टेन है जो डिशवॉशर में धोने से होता है, मतलब कितना भी ज्यादा ये साफ हो पर दिखने में लगता है कि गंदा है। ये मेरे कुकर में ज्यादा हो रहा है, ये और कहीं नहीं हो रहा है, कुकर में ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैंने दो आलू बॉईल करने को रखे हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मटर को बॉईल करूंगी, इन्हें ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसके लिए 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉईल कर लूंगी। ये जो मैंने कोम लिया था ना मिनीसो से, ये इतना अच्छा कोम है कि जब से ये आया है मेरे पास ना, मैं और कोई कोम यूज नहीं करती, उससे इतने अच्छे से हो जाता है। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है कि अगर ये खो जाए टूट जाए ना तो बड़ा दुख होगा, तो मिनीसो अगर जाऊंगी ना तो एक लेकर के स्पेयर आ ही जाऊंगी। और अभी आपसे बात कर रही हूं तो मेरा ध्यान जा रहा है कि ये वाला डोर बंद है, तो जब अंगद घर पे होता है तब तो ये हम बंद ही रखते हैं, तो मेरी ये आदत हो गई है कि गई उस रूम उसको बंद करते बाहर आई, तो पक्का किसी काम से गई होगी आज, और अंगद घर पे नहीं है, फिर भी मैंने इसको लॉक कर दिया। तो ऐसी होती है आपकी आदत, आपको पता भी नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड में आपके रहता है और आप उसको कर लेते हो। यहाँ पे मैंने प्याज, ग्रीन चिली और धनिया पत्ता लिया है, अब इसको चॉप कर लेंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर ये मशीन नहीं होता तो कितना मेहनत का काम है इतना फाइन चॉप करना, मैं तो कितनी भी मेहनत करूँ ना इतने अच्छे से मैं चॉप इसको नहीं कर पाती, तो इस मशीन से ना मेरा काम एकदम आसान हो गया। इनकेस आप लोगों ने नहीं खरीदा है ना, मेरी बात मानिए, खरीद लीजिए, नहीं पछताइएगा। ये बोरोसिल का है, मैं लिंक दे दूंगी आपको, अमेजोन पे मिल जाता है, मस्ट बाय है, पिछले 1.5 साल से मैं इसको यूज कर रही हूँ।
आलू हमारा छिल गया अच्छे से, यहाँ पे मैंने ये भी चॉप कर लिया है। अब लेना है हमें थोड़ा सा पोहा। वैसे देखिए ये एक नॉर्मल सिचुएशन है कि हस्बैंड ऑफिस गए और मैं घर पे हूँ, पर यही नॉर्मल सा सिचुएशन ना थोड़ा सा अबनॉर्मल लग रहा है। इतनी आदत हो गई है वर्क फ्रॉम होम की, जो 2020 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ना, देखिए कितना टाइम हो गया है। वैसे अगर पहले की बात करें, जब ये लॉकडाउन नहीं भी था और अंगद ऑफिस जाया करता था, तब भी ना, अब मैं सोचने बैठती हूँ कि तब मैं कैसे रहती थी, तो मुझे ये याद आता है कि मेरे पास हमेशा से करने को इतने काम थे ना कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। जैसे उस वाले घर में थी तो मैं, शादी हुई मेरी, मैं कॉलेज गोइंग थी, तो कॉलेज लाइफ की तो बात ही छोड़ दीजिए, अंगद से ज्यादा मैं बिजी रहा करती थी। कॉलेज खत्म हुआ और कुछ टाइम के लिए मैं थी उस घर में, लेकिन तब तक मेरे पास इस घर का कंस्ट्रक्शन का काम था और मेरा प्रोफेशनल काम भी स्टार्ट हो गया था, वास्तु वगैरह का, तो मैं उसमें बिजी हो गई। यहां पे आई तो प्रोफेशनल काम भी चालू था और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, तो मैं उसमें बिजी हो गई, और उसके बाद तो खैर पैंडेमिक ही आ गया। तो ऐसे मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हस्बैंड आप बिजी रहते हैं आपके, तो कैसे आपका मन लगता है, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो, क्या करते हो? तो आपको बिजी रहना पड़ेगा। अगर आप बिजी रहोगे, आपके पास खुद का करने का काम है, खुद का आपके पास कुछ हॉबी है, या आप रूटीन पे चलते हो ना, तो आपको कभी बोर नहीं लगेगा। तो वही मैं आज बैठ के सोच रही हूँ कि ये थोड़ा अलग लगता है कि घर पे अकेले हैं, पर हमेशा से तो ऐसे ही मैं रहती आई हूँ और अपने आप में बिजी रही हूँ। पर इस पैंडेमिक के बाद से ना लाइफ बहुत चेंज हो गई, सच बताऊं बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि अगर किसी कपल का उतना ना बनता हो आपस में, और उनकी कंपनी में मान लीजिए ऐसे वर्क फ्रॉम होम है, तो ना बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई होगी, क्योंकि आप इतनी ज्यादा साथ में रहते हो ना, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था जब शादी हुई थी कि इतने ज्यादा मतलब साथ में रहेंगे। हमेशा यही इमेजिन किया था कि दिन भर अंगद ऑफिस में रहेगा, मैं अपने काम पे रहूंगी, तो वीकेंड्स को मिलना है, शाम को मिलना है। पर जब आप इतनी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में रहते हो ना, तो थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है कि झगड़े ज्यादा हो सकते हैं, मनमुटाव ज्यादा हो सकता है, तो उसको फिगर आउट करना डिफिकल्ट स्टार्टिंग में रहा था। मैं नहीं बोलूंगी नहीं था, थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ा था कि ठीक है अब लाइफ ऐसी रहने वाली है, और स्ट्रेस भी बहुत सारे एडेड हो गए थे, पर धीरे धीरे तो फिगर आउट आप कर लेते हो, और अब लग रहा है कि यही अब नॉर्मल है कि घर पे क्यों नहीं है, घर पे होना चाहिए। अभी कब तक उसका वर्क फ्रॉम होम रहेगा पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी हो सकता है कि फिर से ऑफिस चालू हो जाए, पर फिलहाल तो है। तो एनीवेज चलिए, बातें बहुत हो गई, मेरा आधा मैंने प्रोसीजर किया, आके बैठ गई यहाँ पर, अब आधा करती हूँ, ताकि इससे पहले वो आए, अब निकल गया अंगद एक्चुअली, तो इससे पहले आए बना के रखते हैं गर्मा गर्म। यहाँ पे मैंने पोहे को अच्छे से धो लिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसमें आलू डाल दिया और जो हमने चॉप किया था वेजिटेबल्स वो भी ऐड कर दिया, फिर नमक, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। अब इसे हम मैश करके टिक्की के शेप में बना लेंगे, फिर इसे सूजी में या ब्रेड क्रम्स में लपेट करके हमें इसको शैलो फ्राई करना है। पैट फ्राई नहीं कर रहे हम, शैलो फ्राई करेंगे। मुझे अभी जस्ट रियलाइज हुआ है कि मैंने एक बहुत ही समझदारी वाली चीज करी है, आप लोगों में से बहुत लोगों को भी रियलाइज हो गया होगा। तो मैंने मटर तो बॉईल किया कि मुझे इसमें डालना है, पर मैं मटर डालना ही भूल गई, तो जब मैं आलू को मैश करके इसमें डाल रही थी ना, उसी टाइम पे जो उबला हुआ मटर है वो भी आपको इसमें डाल देना है। उबाल के रखा है, यहाँ मेरे सामने पड़ा है और मेरे ध्यान में ही नहीं था। एक्चुअली बीच में फोन आ गया था अंगद का, मैं बात करने लगी और उसी बीच में मेरा ध्यान नहीं था, मैं ब्लॉगिंग भी कर रही थी, तो ऐसा थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो मटर होगा ना तो बाइट भी अच्छी आएगी और दिखने में भी ज्यादा अच्छा लगेगा, पर कोई नहीं, आप लोग डाल लीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगी। अब क्योंकि ये मटर है ही है, तो रात को सोच रही हूँ
आलू की सब्जी बनाऊं, आलू मटर गोभी मिक्स करके बना लूंगी। हेलो, कैसा रहा दिन? मस्त रहा। अच्छा रहा? खुशबू आ रही है घर से टेस्टी टेस्टी खाने की? बना रही है। अरे बना तो जो रही थी वो बना बहुत अच्छा है। वो बन नहीं पाया? नहीं बन गया। अच्छा, बहुत अच्छा बना है। हाँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि तेल बहुत ज्यादा उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। मतलब मैं एक टिक्की बना रही थी, मैं तुमको दिखाती हूँ क्लिप, फिर तुमको रियलाइज होगा। तो मैंने उसमें डाला 4-5 टिक्की पोहा का, एक्चुअली कटलेट बनाया था, ठीक है। हाँ। लेकिन उसने इतना तेल पी लिया है कि मुझे लग रहा है कि मैं तो नहीं खाने वाली। नहीं खाऊंगी नहीं। मैं तुमको क्लिप दिखाऊंगी ना, तुमको भी डर लग जाएगा कि सारा जिम किया धरा पानी में जाएगा। दिखाती हूँ, पर बना अगेन बहुत टेस्टी है, प्यार से बनाया है तो चख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जैसा भी अंगद को बता रही थी वही आपको भी बताती हूँ। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत 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 टेस्टी है, लेकिन इसने बहुत तेल पी लिया। अभी पोहा की वजह से हुआ है, क्योंकि देखिए सूजी तो मैंने इस तरीके से ना आलू टिक्की भी बनाई है। मैंने एक बार आलू टिक्की चाट भी शेयर किया था, उसमें भी मैंने आलू के ऊपर में ऐसे ही सूजी लगाया और मैंने किया था, तो इतना नहीं तेल पिया था। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि इसमें पोहा है ना, इस वजह से नॉनस्टिक का भी इसने सारा तेल पी लिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करने वाली हूँ ना, और आप भी कर सकते हो, सेम रेसिपी फॉलो करिए, पर पैट फ्राई करने का ट्राई करिए, तो कम तेल में हो जाएगा। अदरवाइज इतना तेल लेना तो ठीक बात नहीं है। तो देखिए आप, कुछ भी तेल का नामो निशान यहाँ पे नहीं है, जबकि आप देखोगे फर्स्ट क्लिप में तो काफी तेल मैंने डाला था। तो मैंने अभी अंगद को वो क्लिप दिखा दिया कि स्टार्टिंग में देख लो इतना ऑयल था, पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। तो देखते बोल रहा है हाँ थोड़ा ज्यादा तो हो गया, अच्छा चख लूंगा। तो मेरा काम था आपको वॉर्न करना, क्योंकि मैं हमेशा हेल्दी फूड प्रमोट करती हूँ और जो भी घर में बनाती हूँ ना उसमें तेल इतना नहीं डालती हूँ। तो इतना एक होता है आप डीप फ्राई करने के मकसद से आपने रेसिपी दिखाई है, तब तो मैं बोल देती कि डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई, तो डीप फ्राई। अभी मैं दही वड़ा बनाऊं, पकौड़े छानूं, तो वो तो है। पर इसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पैट फ्राई तो नहीं हो पाएगा, हम लोग शैलो फ्राई करने करेंगे, और बस शैलो फ्राई में भी इतना तेल अब्सॉर्ब कर लेगा नॉनस्टिक में, वो मुझे आइडिया नहीं था। तो दिस इज नॉट हेल्दी, टेस्टी है, पर मैं प्रमोट नहीं करती हूँ कि ऐसा खाना आप खाइए। ऐसा कोई बारिश वारिश का मौसम नहीं है कि भाई खा लिया जाए, तो हम लोग तो बस चखेंगे। पर अगली बार मैं पक्का इसको पैट फ्राई में ट्राई करती हूँ, क्योंकि पैट फ्राई में मैं पनीर पकौड़ा बनाती हूँ, अच्छा बनता है। पैट फ्राई में मैं बहुत सारे आलू का टिक्की बनाती हूँ, अच्छा बनता है। तो पोहा के साथ क्या होगा वो मैं कभी बाद में बताऊंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इतना तेल वाला आप खाते हैं कि नहीं खाते, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम दोनों से तो ना हो पाएगा भैया। दूसरा मैंने एक और कांड किया, वो भी मैंने अंगद को आती बताया कि अंगद अदरक को ग्रेट करते करते पूरा अदरक अंदर गिरा दिया है। मतलब इतना बड़ा चंक गिर गया यार मेरे से। उसके बाद पता है क्या किया मैंने? हाँ। फिर मैं ढूंढना स्टार्ट किया मैंने। हाँ। कि अच्छा कहाँ गया, आप चम्मच से निकाल के धो लेती हूँ। हाँ। वो दिखाई नहीं यार, कितना चम्मच मैंने उसमें घुमाया, अदरक छुप गया। फिर जब बहुत लेट हो गया तो मुझे लगा अब तो वो उबल चुका होगा, तो वेस्ट हो गया, तो जाने देते। तो हो सकता है कि अदरक वाली चाय में बहुत ज्यादा अदरक का टेस्ट आए। तो मतलब मैंने देखो, तुम एक दिन घर पे नहीं थे और मैंने कितना गड़बड़ गड़बड़ खाना बनाया है। आज जिम जाने में थोड़ा लेट हो गया हम लोगों को। यूजुअली ना हम लोग 7-7:15 तक चले जाते हैं, आज अंगद आया लेट, उसके बाद चाय लेट हुआ, तो चाय के बाद तुरंत तो जा नहीं सकते हैं। तो अभी बच गए हैं एक्चुअली 8:30। हेडफोन लेना रह गया था, एक्सरसाइज करिए और गाना ना सुनिए तो मजा नहीं आता है। तो मैं तो अपना ये वाला लगाती हूँ, पर इसमें एक दिक्कत आती है इस वाले हेडसेट में कि अगर आप रनिंग कर रहे हो ना तो धीरे धीरे ये गिरने लग जाता है। चलिए मेरा हो गया 30 मिनट तक दौड़ना और ब्रिस्क वॉक किया,
पता है एक चीज मैंने नोटिस की है, अगर आप वर्कआउट करना स्टार्ट करते हो ना तो फिर आप और भी ज्यादा हेल्दी खाना खाना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि उसी चीज को बर्न करने में उस कैलोरी को आपको कितनी मेहनत लगती है रोज, तो फिर खाने से पहले आप कॉन्शियस हो जाते हो। वही अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हो ना तो थोड़ा बहुत आप इधर उधर का खा लोगे, कोई नहीं क्या फर्क पड़ता है, पर जब से आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया तब से आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर आप लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं तो पता होगा आप लोगों को ये बात कि मैंने और रंगत ने डिसाइड किया था कि बैंगलोर में इतने सारे पब्स हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट हैं जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया पैंडेमिक में। काफी साल, लगभग डेढ़ साल हमारा ऐसा गया कि हम कहीं गए नहीं, तो अभी हम नहीं करने वाले, हर फ्राइडे को हम लोग कहीं ना कहीं नई जगह जाएंगे। तो हमने वो करना स्टार्ट किया, हर फ्राइडे कोई ना कोई पब हम लोग पहुंचते ही पहुंचते थे। फिर डिसाइड किया कि अरे इतना बाहर खाएंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो एक काम करते हैं जहां भी जाएंगे एम्बियंस एंजॉय करेंगे और सैलेड खाएंगे। फिर वो भी हमने कई बार किया। उसके बाद चले गए हम लोग गुजरात, और फिर वहां से आके रियलाइज हुआ कि यार बहुत ज्यादा बाहर का खाना हो गया, बहुत ज्यादा घूमना फिरना हो गया, क्योंकि लिटरली हर महीने हम लोग कहीं ना कहीं जा रहे थे। अगस्त में बनारस गए, सितंबर में कुर्ग गए अंगद के बर्थडे के लिए, अक्टूबर स्टार्टिंग में हम लोग गुजरात चले गए, और ये मंथ नवंबर भी कहीं जाने वाले हैं, एनिवर्सरी आ रहा है आपको पता ही है। खैर, तो जाना तो है, तो हर महीने कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं, और हर फ्राइडे अगर बाहर खाना भी खा रहे हैं तो ये हर तरीके से गड़बड़ है, फाइनेंशियली भी गड़बड़ है और हेल्थ वाइज भी गड़बड़ है। जब से हम लोग गुजरात से आए हैं हमने वो वाला डील कैंसिल कर दिया फिलहाल के लिए, अभी नेक्स्ट ईयर सोचेंगे। अभी तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे, कोई नई जगह एक्सप्लोर नहीं किया और घर पे ही रह रहे। तो फेज वाइज ना ऐसे लाइफ हो जाती है, मुझे लगता है एक फेज में आप कुछ और कर रहे होते हो, एक फेज में आप कुछ और कर रहे होते हो। हमारे साथ तो ऐसा बहुत होता है, आपके साथ भी होता है कि नहीं मुझे बताइए। और मैं तो कभी याद करने बैठती हूँ ना अपनी लाइफ अब तक की, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हर कुछ साल में ना मैं बदल गई हूँ, मेरे जीने का ढंग बदल गया है, और ऐसा लगता है कि एक लाइफ टाइम में बहुत सारे लाइफ मैंने देख ली है, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी अलग फेज चल रहा है, बीच में जब आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट चल रहा था, आप लोगों को पता ही होगा काफी महीने चला, उस टाइम पे हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी, और क्योंकि वो लाइफ इतनी चेंज हो गई थी उसी का परिणाम था कि हमने डिसाइड किया था कि अब कुछ महीने सिर्फ और सिर्फ हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, और काफी महीने हम लोग घूमे फिरे, काफी जगह गए, और अब फिर से डिसाइड किया कि फिर से हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो साल स्टार्ट हुआ कुछ महीने हेल्थ, बीच में फन, फिर से अभी हेल्थ वाला फेज चालू हो गया। तो ऐसे अलग अलग फेज में लाइफ चलती रहती है। खैर चली जो भी, और इसी के साथ ही आज का व्लॉग भी यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग का वीकेंड बहुत अच्छा हो, मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। देखिए मैं तैयार भी हो गई, मतलब फ्रेश हो गई, आपसे इतनी बात भी कर ली, अभी तक अंगद नहीं आया, तो अंगद का डेडिकेशन अलग लेवल पे है, वो उसका एक दोस्त भी एक्चुअली वहां मिल जाता है, तो वो लोग साथ में भी बातचीत करते रहते हैं। चलिए मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय। लीजिए बोली रही थी और अंगद आ गया, बाय बाय।